सारण पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। सारण के जिलाधिकारी और एसपी ने इस यूनिट का उद्घाटन किया। यूनिट को नगर थाना के परिसर में बनाया गया है, जहां आम लोग साइबर अपराध से जुड़े अपने मामलों को दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, हम लोगों के यहाँ पूर्व से साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट कार्यरत था, परंतु वो एसपी के आवासीय कार्यालय में कार्यरत था और उससे आम जनता डायरेक्ट रूप से वहाँ जाकर कभी शिकायत नहीं कर सकती। जनरली साइबर क्राइम में जो धोखाधड़ी होता है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जैसे बैंक से भी कई बार पैसा निकल जाता है और लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कई बार थाना में जाने के बाद कई दिन लग जाते हैं। तो इसमें कई बार अगर 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कर दिया जाए और उसको नेशनल पोर्टल पर डाल दिया जाए तो पैसे की रिकवरी हो सकती है, परंतु ये समय चूँकि उनका व्यतीत हो जाता था इधर उधर घूमने में और वो कर नहीं पाते थे। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जो कि आम जनता के लिए सर्व सुलभ हो। और ये जगह जो नगर थाना के अंतर्गत है, ये कुछ ही दिन पहले खाली हुआ, पहले इसमें महिला थाना संचालित था, तो उसको उस जगह को यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों ने और लोगों की भी ज़रूरतों के अनुसार साइबर सेल का यहाँ पर आज स्थापना किया गया है, इसको क्रियाशील किया गया है। इसमें जो भी लोग जिनके साथ घटना होगी वो सभी तरीके से कम्युनिकेशन के सभी तरीके से, चाहे वो फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके कर सकते हैं या फिजिकली यहाँ आकर के अपनी शिकायत रख सकते हैं, लिखित दे सकते हैं, मौखिक दे सकते हैं, और उसके अनुसार हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको हम लोग ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ताकि अगर रिकवरी होने की संभावना है तो वो रिकवरी हो जाए और उसके बाद FIR की प्रक्रिया और विधिक कार्रवाई जो है संबंधित थाना को भेज करके किया जाए। एक प्रकार से ये साइबर सेल वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। वन विंडो रहेगा, सिंगल विंडो हम लोग एक व्यवस्था दिए हैं, जिसके अंतर्गत आम जन को काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि साइबर क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कई प्रकार से होते हैं, चाहे सोशल मीडिया संबंधित हो, चाहे बैंक से संबंधित हो, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड हो, और अन्य कई तरीके के होते हैं। कई बार एक्सटॉर्शन भी ऑनलाइन माना जाता है, तो इन चीज़ों पर परामर्श भी दिया जाएगा, जन जागरूकता भी की जाएगी और साथ ही साथ उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में भी बताया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है मुख्य रूप से हम लोगों का जो उद्देश्य है कि आम जन को सहूलियत हो और उन पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जो उसमें बाहर टेम्पलेट में भी है, इस टेम्पलेट में भी है और हर जगह लिखा गया है। ईमेल एड्रेस है, उसके अलावा फ़ोन है, दूरभाष भी, जो बेसिक फ़ोन भी दिया गया है, और डायरेक्ट भी आकर के फिजिकली भी अपने